हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysabji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज में आज का हमारा सवाल है, व्हाट आर नेगेटिव इंडेक्सेस इन पाइथन। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत सिंपल है। पाइथन में नेगेटिव इंडेक्सेस का भी कॉन्सेप्ट है जो कि कई सारी दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं देखने को मिलता। जैसे आप कुछ सीक्वेंसेस की बात करें, लिस्ट, टपल, str, ये वो सीक्वेंसेस हैं जिसमें एलिमेंट्स के इंडेक्स होते हैं, वो ऑर्डर्ड लोकेशन पे रखे होते हैं। यानी कि कोई एलिमेंट पहला है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, आप उसे एक सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ एलिमेंट्स की तरह देख सकते हैं। इन एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग होती है। ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे सी लैंग्वेज में आप एरेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे रखा है, दूसरा वाला एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 1 पे रखा है, एंड लाइकवाइज। लेकिन इसमें एक नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप राइट मोस्ट एलिमेंट से स्टार्टिंग करें, लेफ्ट की तरफ जाएं, तो इंडेक्सिंग होगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस बात को समझने के लिए हम लोग न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, जहां पर हम लोग छोटी सी कोडिंग करके इस बात को समझ लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा न्यूटन स्कूल का वेबसाइट का लैंडिंग पेज, जहां पर आप लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के बाद आप को जो स्क्रीन मिलती है वो कुछ इस तरीके की होती है, जहाँ पे ट्रैक्स और प्लेग्राउंड दो चीज़ें होती हैं। ट्रैक्स में आपको कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये कोर्स भी मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा प्लेग्राउंड है जहाँ पर आपको मिल जाता है एडिटर। आप एडिटर पे आते हैं, यहाँ पर इस जगह पर आप कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको एक सिंपल सा कोड लिख के बता रहा हूँ कि मैंने एक लिस्ट बनाया, मान लीजिए इसका नाम रख लेता हूँ L1, और L1 लिस्ट के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50, और ये जो वैल्यूज़ हैं इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इंडेक्स होंगे अगर लेफ्ट टू राइट आप देखते हैं। तो अगर मुझे कोई एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रिंट और मैं लिखता हूँ L1 0, तो ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाला एलिमेंट 10 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ 0 की जगह लिख देता हूँ, सपोज करिए 1, तो ये सेकेंड एलिमेंट आपको दिखाएगा जो कि है 20। देखिए यहाँ पर 20 आ रहा है। लेकिन अगर मुझे आखिरी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है तो मुझे काउंट करना पड़ेगा आखिरी एलिमेंट कहाँ है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। सोच के देखिए आप, एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मुझे आखिरी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अच्छा चलो 0, 1, 2, 3 मतलब आखिरी एलिमेंट कौन सा है, इंडेक्स नंबर कितने पे आएगा। ये सब आपको दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर लिस्ट कैसा है, डायनेमिकली ग्रो करता है। हालांकि str डायनेमिकली ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन लिस्ट डायनेमिकली ग्रो कर रहा है। टपल भी डायनेमिकली ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन लिस्ट डायनेमिकली ग्रो कर रहा है, और हम उसकी लेंथ देख रहे हैं कि चेंज होती जाती है। अब मुझे लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कितना आसान है कि मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिख दूँ -1। देखिए ये कितना कमाल का है कि आप राइट मोस्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इंडेक्सिंग काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि -1 इज ऑलवेज लास्ट एलिमेंट, ठीक है। इंडेक्स नंबर -1 हमेशा किसका होगा, लास्ट एलिमेंट का होगा। तो मैंने यहाँ पे रन किया, देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 50, विच मीन्स ये लास्ट एलिमेंट है। अगर मैं -1 की जगह -2 दे देता हूँ तो ये सेकेंड लास्ट एलिमेंट की बात करेगा। देखो मैं रन करके बता रहा हूँ, ये बताएगा 40। ये चीज़ें str पे भी लागू होती हैं, ये चीज़ें टपल पे भी लागू होती हैं, हर उस टाइप में लागू हो जाएंगी जहाँ पर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट के दो तरह के इंडेक्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ, न्यूटन स्कूल के बारे में तो आप जानते ही हैं। 15-16 अगस्त 2020 को वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है करियर लॉन्च पैड। इस इवेंट में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इन कंपनीज के लोग आएंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे इन बड़ी कंपनीज में एंट्री ली जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक पाइथन की वर्कशॉप भी होगी और एक कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैश प्राइज जीत सकते हैं, साथ में मिलेंगे सर्टिफिकेट्स। इस इवेंट में मैं भी आपको दिखूंगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये इवेंट आपके लिए बहुत काम का हो सकता है तो आप इसमें आज ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।